हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने केले का भुजिया बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम केले लिए हैं, जिसे मैंने छीलकर गोल गोल काट लिया है। एक हरी मिर्ची ली है, इसे मैंने बीच में से काट लिया है। नमक स्वाद अनुसार लिया है। 1/4 चम्मच हल्दी ली है। 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1/4 चम्मच मैंने सरसों के दाने लिए हैं। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, इसमें मैं सरसों के दाने डाल दूँगी। और जैसे ही ये सरसों के दाने हो जाएंगे, इसके बाद मैं ये हरी मिर्ची डाल दूँगी तेल में। तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं नहीं डाल रही, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें केले डाल देने हैं। ऐसे अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद इसे स्लो फ्लेम पर हमें 3 मिनट के लिए ढक देना है। और फिर इसे ढक्कन हटाकर फिर से हमें इसे अच्छे से मिलाकर फिर से ढक देना है। 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा दिया है और फिर से इसे मिला दूँगी मैं अच्छे से। और फिर इसे फैलाकर ढक दूँगी। मैंने 3 मिनट के बाद फिर इसे मिला लिया है। इसमें अब 1/4 हल्दी डाल दूँगी और नमक स्वाद अनुसार। इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है और 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर हमें भूनते रहना है। 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनने के बाद इसमें हम लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे फिर हमें भूनना है। केले का भुजिया तैयार हो चुका है, तो इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। केले का भुजिया तैयार है, तो आप इसे घर पर ट्राई कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।